अपवाह तंत्र। अपवाह से तात्पर्य नदी में आने वाले जल प्रवाह से है, जो भूमि की ढाल एवं धरातलीय संरचना पर निर्भर करता है। किसी नदी में जहाँ जहाँ से पानी आकर मिलता है, वह संपूर्ण क्षेत्र उस नदी का बेसिन कहलाता है। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इस नदी में नौका परिवहन का कार्य भी होता है। अपवाह प्रणाली का अर्थ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बहाव क्रम से है। ऐसी परिस्थिति में हर एक नदी का अपना निश्चित अपवाह बेसिन होता है। हम चित्र 4.5 में देख सकते हैं कि नदी में पानी किन किन क्षेत्रों से आ रहा है। कुछ अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। पहला, वृक्षाकार द्रुमाकृतिक प्रवाह प्रतिरूप। इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ के धरातल की चट्टानों में समरूपता मिलती है। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु महानदी और गोदावरी का प्रवाह तंत्र। दूसरा, जालीनुमा प्रतिरूप। यह प्रतिरूप कोमल व कठोर शैलों की भिन्न भिन्न संरचना वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। इसमें सभी धाराएं धरातलीय ढाल का अनुसरण करती हैं। नदियां एक जाल का निर्माण करती हैं तथा समकोणों पर मोड़ बनाती हुई समानांतर घाटियों में बहती हैं। सहायक नदियां भी समानांतर ही बहती हैं। सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं, तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार की नदी प्रणाली सौराष्ट्र, नीलगिरी तथा अमरकंटक की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। तीसरा, आयताकार प्रतिरूप। यह प्रतिरूप आयताकार संधियों और भ्रंशों वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। मुख्य नदी से सहायक नदियों की शाखाएं और उपशाखाएं समकोण पर मिलती हैं। भारत में इस प्रकार का नदियों का प्रवाह कम मिलता है, लेकिन नॉर्वे के समुद्री तटों पर ऐसा प्रतिरूप मिलता है। चौथा, केंद्रोन्मुखी प्रवाह प्रतिरूप। जिस क्षेत्र में नदियां चारों ओर से आकर एक ही केंद्र की तरफ मिलती हैं, वहां केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप दिखाई देता है। राजस्थान की सांभर झील इसका उदाहरण है।